हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो के साथ आ रहा हूँ और अब ये वीडियो का सिलसिला फिर से स्टार्ट होगा और आशा करता हूँ कि आपकी फोटोग्राफी अब तक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रही होगी। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी एक बहुत ईजी चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, और अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों को और कुछ बेसिक ट्रिक्स को जान लें तो आपके लिए फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नए टॉपिक से। बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ पॉइंट आउट करी है कि चैनल पे अगर आप मेरे सब वीडियोस को देखें तो आपको वहाँ पे शूटिंग मोड्स की वीडियो नहीं मिलेंगे। मतलब मैंने मैनुअल मोड, एपरेचर प्रायोरिटी मोड और इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस बार इस सीरीज़ में मैं आपको इन सभी मोड्स के बारे में बताऊँगा, हर मोड का एक अलग वीडियो बताऊँगा और हर मोड को प्रैक्टिकली भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसी सिलसिले में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अलग अलग मोड्स को सीखते जाएंगे, अलग अलग मोड्स को कब आपको यूज़ करना है वो हम सीखेंगे और हर मोड की क्या वैल्यू है फोटोग्राफी में ये भी देखेंगे। बहुत बार अगर आप बिगनर हैं या आप एक इंटरमीडिएट फोटोग्राफर हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैनुअल मोड में शूट करें या एपरेचर प्रायोरिटी मोड में शूट करें, शटर प्रायोरिटी मोड कब यूज़ करना चाहिए और प्रोग्राम मोड क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक डाउट्स हैं जो सभी के मन में होते हैं, और जब भी आप इन सभी मोड्स को मास्टर कर लें तभी आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन जाएंगे और आप किसी भी कंडीशन में अपने फोटोज़ को लेने में एकदम सक्षम हो जाएंगे। तो आज इस सीरीज़ के पहले वीडियो में मैं आपको अलग अलग मोड्स के बारे में बताऊँगा और आपको एक इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि अलग अलग मोड्स एक्चुअली होते क्या हैं और इनको फोटोग्राफी में कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप कोई भी फोटो को अपनी सेटिंग्स के हिसाब से लेते हैं। मतलब जैसे कि हम सबको पता है कि एक्सपोजर ट्रायंगल एक चीज़ होती है जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो एक्सपोजर ट्रायंगल का मतलब होता है एपरेचर, शटर स्पीड और ISO। इन तीनों चीज़ों को चेंज करके आप अपने एक्सपोजर को फिक्स करते हैं। तो अगर आप अपनी शटर स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपका एपरेचर आपको कम करना पड़ेगा, मतलब छोटा करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप अपने फोटो में ISO को बढ़ाएंगे तो आपका जो ओवरऑल फोटो है वो ब्राइट होने लग जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए तो आपको अपने शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, और इन तीनों में से किसी एक चीज़ को अगर हम इंक्रीज करें तो उससे आपका एक्सपोजर बढ़ सकता है या कट सकता है। तो ऐसे ही हमें वो बैलेंस इन तीनों चीज़ों का सीखना है, और जब तक हम इन तीनों चीज़ों के बारे में सही से ना जान लें तब तक हम एक्सपोजर को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप अपना कैमरा खरीदते हैं तो सबसे पहला मोड जो हम यूज़ करते हैं और जो बोला जाता है कि आप 1-2-3 दिन तक ये मोड से फोटो खींच लीजिए, वो मोड होता है आपका ऑटो मोड। अगर आप अपने कैमरा के ऊपर डायल पे देखें तो वो ऑटो मोड होता है, और इस मोड पे आपको अपने कैमरा में कोई सेटिंग नहीं करनी होती। और जैसे आप एक अपने मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं या एक पॉइंट एंड शूट कैमरा से फ़ोटो लेते हैं तो आपको किसी सेटिंग की कोई टेंशन नहीं लेनी, और आप बस अपना कैमरा को उस तरफ पॉइंट करिए और आपका कैमरा आपके लिए फ़ोटो लेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको ये लगता है कि ऑटो मोड पे अगर आप फ़ोटो ले रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा डार्क है या शाम के टाइम, तो आप देखते हैं कि आपका फ्लैश खुल जाता है या कभी कभार आप देख लें कि आपके फ़ोटो ब्लर हो रहे हैं। तो जब भी आपके फोटोज़ ब्लर होना स्टार्ट हो जाएं या आपका फ्लैश बीच में खुल रहा है या ऐसी कोई कंडीशंस आपके सामने आ रही हैं तो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अलग अलग मोड्स भी ट्राई करके अपने कैमरा के और भी पोटेंशियल को बाहर निकालना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो DSLR है वो एक बहुत एडवांस मशीन है, और उसमें जो अलग अलग मोड्स हैं वो एक्चुअली उसके एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैमरा के मोड्स को देखें तो मैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए, एक तो फुल्ली ऑटो मोड जो आपको पता ही है, जिसको हम ऑटो मोड कहते हैं, और बहुत लोग आपको ये बोलते हुए आप सुनेंगे कि ऑटो मोड मत यूज़ करो, ऑटो मोड से आपको जैसे फ़ोटो चाहिए वैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बात बहुत हद तक सही है। और दूसरे जो टाइप का मोड है आपका वो होता है फुल्ली मैनुअल मोड। तो फुल्ली मैनुअल मोड आपने डायल पर अगर आप देखें तो वो M से डिनोट होता है। उसमें आप अपने कैमरा की हर सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और अपने कैमरा को बता सकते हैं कि आपको फोटो आप किस टाइप से लेना चाहते हैं। तीसरा जो मोड होता है आपके कैमरा में वो होता है सेमी ऑटो मोड या सेमी मैनुअल मोड, उसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एपरेचर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड या प्रोग्राम मोड, इन तीनों को मैं सेमी ऑटो मोड बोलना चाहूँगा।
अब बहुत से लोग मुझसे यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये तीनों मोड भी मैनुअल का ही पार्ट है, आप इसको सेमी मैनुअल क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, उसके लिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी हम फुल्ली मैनुअल मोड या मैनुअल मोड जिसको हम बोलते हैं उसमें फोटोज लेते हैं, तो उसमें आपको ये एक्सपोजर ट्रायंगल की तीनों चीजों को सेट करना पड़ता है जब भी आपको सही एक्सपोजर का फोटो चाहिए। तो जैसे मैनुअल मोड की यहाँ पे मैंने आपसे बात करी, वैसे ही शटर प्रायोरिटी मोड, एपरेचर प्रायोरिटी मोड या प्रोग्राम मोड को अगर हम देखें तो वो एक्चुअली पूरी तरीके से मैनुअल काम नहीं करते हैं, वो आपके लिए एक सेमी मैनुअल की तरह काम करते हैं। तो होता ये है कि एक्सपोजर ट्रायंगल में से आप अपने आईएसओ को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना एपरेचर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो शटर स्पीड है वो आपका कैमरा डिसाइड करता है। तो एपरेचर प्रायोरिटी मोड, जैसे कि हमको नाम से ही समझ आता है कि एपरेचर आपकी प्रायोरिटी है, और सोचिए अगर आपको किसी अपने फोटो का बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आप एक वाइड एपरेचर चूज करेंगे, मतलब एपरेचर नंबर आपका छोटा होगा, और ऐसी कंडीशन में आपके अकॉर्डिंगली सही एक्सपोजर के लिए आपका जो कैमरा है वो सही शटर स्पीड को सेलेक्ट करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि 90% टाइम अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो एपरेचर प्रायोरिटी मोड पे आपके फोटोज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएंगे। लेकिन 10% टाइम ऐसे हो सकता है कि आपका कैमरा ने आपको ऐसी कोई शटर स्पीड दे दी है जिससे आपका फोटो ब्लर हो रहा है। तो ये एक्चुअली होता क्यों है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जब भी हम एक्सपोजर ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि एक्सपोजर ट्रायंगल की तीनों चीज़ सेलेक्ट करने के बाद भी हमें अपने कैमरा के मीटरिंग मोड्स को समझना पड़ेगा, और मीटरिंग मोड आपके कैमरा को ये बताएगा कि आपका जो फोटो है उसको किस तरीके से वो एक्सपोज करे, मतलब आपके फोटो में से किस पॉइंट के ऊपर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे और उसकी एक्सपोजर जो है वो किस हिसाब से सेट करे। मीटरिंग मोड, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि आपके कैमरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और बहुत बार लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और बहुत से इंटरमीडिएट फोटोग्राफर्स भी मैंने देखे हैं जिन्होंने मीटरिंग मोड को मास्टर नहीं किया हुआ है। मीटरिंग मोड आप ये समझ लीजिए कि वो आपके कैमरे का एक तरीके से गाइड होता है जो आपके फोटो में किस चीज़ को कितना एक्सपोज करना ये बताता है। तो मीटरिंग मोड में तीन तरीके के मोड जनरली ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स मीटरिंग जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल मीटरिंग, मतलब आपके पूरे फोटो को वो जज करेगा और उस हिसाब से अपने फोटो को एक्सपोज करेगा। सेंटर वेटेड जिसको हम पार्शियल मीटरिंग बोलते हैं, उसमें आपके सेंटर के आसपास जितना भी एरिया होगा उसको वो मीटर करेगा। और एक पॉइंट मीटरिंग होता है, पॉइंट मीटरिंग का मतलब सिंगल पॉइंट पे एकदम सेंटर पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका कैमरा उस चीज़ के ऊपर फोटो को एक्सपोज करेगा। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन में एपरेचर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड और प्रोग्राम मोड फेल हो जाते हैं अगर आप मीटरिंग मोड को सही से डायल इन नहीं करेंगे, और आपको पता नहीं होगा कि आपका मीटरिंग मोड किस तरीके से आपको यूज़ करना है, तो आपके जो फोटो हैं इन मोड्स पे होने के बावजूद भी आपके फोटो अच्छे नहीं आते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ कि बहुत बार आपने ये चीज़ ट्राई करी होगी अपने कैमरा से कि अगर आपने किसी का फोटो बैकलिट लिया होगा, मतलब आपने अपना सब्जेक्ट को सूरज की लाइट के सामने खड़ा किया होगा और आपने उनका फोटो लेने की कोशिश करी होगी, अब एपरेचर प्रायोरिटी मोड पे आपके कैमरा को सूरज की लाइट से ये लगेगा कि आपका फोटो ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कैमरा शटर स्पीड को बढ़ा देगा और आपको ओवरऑल जो फोटो है वो तो नॉर्मल एक्सपोज होगा लेकिन आपको जो सब्जेक्ट है आप जिसका फोटो खींच रहे हैं वो डार्क हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत सारे मेथड से इसको ठीक कर सकते हैं, और मीटरिंग मोड को अगर आप सही से डायल इन करें तो आपको ये फोटो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट को आपको सही से एक्सपोज करना है। तो ये भी एक टॉपिक था जिसके ऊपर बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स ने और फ्रेंड्स ने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं आपको इस सीरीज में ये भी बताऊंगा कि आप एक बैकलिट सिचुएशन में आप अपने फोटोज को एकदम बेहतरीन तरीके से कैसे एक्सपोज कर सकते हैं, और आपका जो फोटो है वो किस तरीके से आप बैलेंस करके अपने सब्जेक्ट और आपके बैकग्राउंड को दोनों को सही से फोटो ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी मोड्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया, तो वैसे हम ये समझ सकते हैं कि फोटोग्राफी में अगर आप अलग अलग मोड्स को मास्टर कर लें तो कोई भी कंडीशन आपको दे दी जाए या कोई भी सिचुएशन में आप फोटोग्राफी कर लें तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको हमेशा ये पता होगा कि किस टाइप की सिचुएशन में आपको कौन सा मोड यूज़ करके अपने फोटो को लेना है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आप सबको फिर से एक रिकैप दे दूँ अलग अलग मोड्स का। फुल्ली ऑटो मोड में आपको कोई सेटिंग्स की टेंशन नहीं लेनी है, आपका कैमरा खुद ही अपने आप डिसाइड करेगा।
फुली मैनुअल मोड में आपको एक्सपोजर ट्रायंगल की तीनों चीज आईएसओ, एपरेचर और शटर स्पीड तीनों डिसाइड करनी पड़ेगी और आपको अपनी मीटरिंग मोड को भी डायल इन करना पड़ेगा। लेकिन एपरेचर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड और प्रोग्राम मोड जब भी आप यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले तो मीटरिंग मोड का ध्यान रखना है कि आपको फोटो किस टाइप के मीटरिंग मोड में यूज करना है और उस मोड के हिसाब से। एपरेचर प्रायोरिटी मोड में आप अपने एपरेचर को सेट कर सकते हैं और आईएसओ को सेट कर सकते हैं, आपका कैमरा आपका शटर स्पीड को सेट करेगा। वैसे ही शटर प्रायोरिटी मोड में आप अपने कैमरे में शटर प्रायोरिटी की वैल्यू डाल सकते हैं, शटर स्पीड सेट कर सकते हैं और आपका कैमरा अपना एपरेचर अपने आप डिसाइड करेगा और इसमें आप अपना आईएसओ को भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही प्रोग्राम मोड में आप अपने आईएसओ को डिसाइड कर सकते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल में, लेकिन आपका कैमरा खुद शटर को और एक्सपोजर दोनों को ही सेट करेगा जिससे कि आपको परफेक्ट एक्सपोजर पे फोटो मिले। तो बस यही थी मेरी एक्सपोजर मोड्स के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैं आप सबको बताना चाहता था। इन सभी मोड्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बना के आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि एक्सपोजर मोड्स किस तरीके से हेल्प करते हैं आपको और किस तरीके से क्या वैल्यू चेंज करने से आपके फोटो में क्या चेंजेस आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और आप सबको अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वो आप मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ और फोटोग्राफी रिलेटेड डिटेल्स भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में और तब तक के लिए अलविदा।